विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर बृहस्पतिवार को सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने आम जनमानस से अपील किया है कि जीवन अनमोल है, किसी भी तनाव में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में जल्द से जल्द सब कुछ हासिल कर लेने की तमन्ना और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आज लोग बेवजह मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। इसमें ज़रा सी नाकामयाबी अखरने लगती है और लोग अपनी ज़िंदगी तक को दांव पर लगा देते हैं। कोरोना काल में भी लॉकडाउन के चलते तमाम लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों को अपनी रोजी रोजगार छोड़कर वापस गांव लौटना पड़ा। लोग शुरू में इसे लेकर तनाव में थे, लेकिन अपनों के बीच बैठकर जब समस्या रखी तो उसका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकला। इसलिए जब भी हताशा निराशा में कोई भी गलत कदम उठाने की बात दिमाग में आए तो सबसे पहले अपनों के करीब जाएं। उन्होंने बताया कि इन्हीं मामलों को देखते हुए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मकसद आत्महत्या को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। इस वर्ष वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम है आत्महत्या रोकने को मिलकर काम करना। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया, आत्महत्या बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें लोग सुसाइड की बात करते हैं और सुसाइड कर भी लेते हैं। उसमें बहुत सारी सामाजिक परिस्थिति भी है, बहुत सारी आर्थिक परिस्थिति है, बहुत सारी मानसिक प्रकृति है। मानसिक आत्महत्या जो होती है वो एक टेंडेंसी डेवलप होती है किसी किसी में, कि वो जब भी कोई समस्या आती है तो उसको एक ही चीज़ दिखाई देती है कि हम आत्महत्या करके फुर्सत पा जाएं, इस कष्ट से दूर हो जाएं। परंतु ये मानव टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मानव टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि जो भी समस्या आ जाए हम उससे लड़ते हैं, जूझते हैं। दो ही चीज़ होगी, या हारेंगे या जीतेंगे। हार जाएं तो फिर भी कोशिश करें कि अगली बार देखते हैं। तो मेरा संदेश ये होगा कि ऐसे नकारात्मक विचार किसी भी इंसान को नहीं पालना चाहिए। कोई भी इंसान दुनिया का ऐसा नहीं जिसके समस्याएं नहीं हैं। कुछ की गंभीर समस्या है, कुछ की छोटी समस्या है, कुछ की शिक्षा की समस्या है, गरीबी की समस्या है, पर उसको हमें फेस करना है। हम इंसान हैं और हमें कभी भी ये नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए कि हम अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दें तो हमें सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए हमारे मानसिक विशेषज्ञ जिला चिकित्सालयों में तैनात हैं। वो ऐसे ऐसे समय पे गोष्ठियाँ करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि इस प्रवृत्ति से कैसे छुट्टी मिले और लोग खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें। आजकल ये भी देखने में आया है कि कार्य का बोझ बहुत रहता है, उससे भी बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं और ये ऐसा स्टेप ले लेते हैं। उसमें भी सामंजस्य बिठा कर रखना चाहिए। हम ऑफिसर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे अधीनस्थ हैं उनको थोड़ा समय परिवार के साथ बिताने का, छुट्टी का अवश्य दें, जिससे कि उनके ऊपर किसी तरह का मानसिक दबाव इस तरह करना हो कि वो ऐसी कोई प्रवृत्ति या ऐसी कोई सोच अपने दिमाग में लाएं और करें। तो मेरा सबसे अपील है कि इस दिवस पे आप ये सब प्रण करें कि कोई भी समस्या आएगी तो उसका हम निदान ढूंढेंगे, उससे लड़ेंगे, ना कि अपनी जीवन समाप्त करने की बात सोचेंगे। ये नकारात्मक सोच बिल्कुल आज के दिन से छोड़ देना चाहिए।